तब्दीली सरकार का मौके पे चौका, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर करा लिया। कैपिटल इलाका जात वफ इमलाक बिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। फैटएफ की ग्रे लिस्ट में हमारी हुकूमत की वजह से नहीं आए। अपोजिशन ने फैटएफ बिल को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया, हुकूमत को ब्लैकमेल किया। इनको मुल्क की नहीं बल्कि अपने जाती मफादात की फिक्र है। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। आज पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर ने आज रेड लाइन अबूर की, उनके रवैये की मजम्मत करता हूँ। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद कहते हैं, स्पीकर से मुतालिक अपोजिशन के मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। नवाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल, एवन फील्ड रेफरेंस में भी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नाकाबले जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अलग अलग हुक्मनामे जारी कर दिए। और फनी खराबी या फिर कोई और मसला, पिशावर बीआरटी की एक और बस में आग लग गई। अब तक 4 बसों में आग लग चुकी है। वाकये के बाद बीआरटी सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल।